एक मुझे आप करके देता हूँ तो चलो जनरल इस प्रॉपर्टी का पैदल जो होगा ये पर्सनली काफी स्टार्ट होगी एक क्वेश्चन करवाए तो पास हमेशा क्वेश्चन आपके लिए x into 1 minus x to make power. ऐड करना मैं फिर बता दूं ऐड करना कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐड तो हम देखते हैं कि बेनिफिट मिलेगा ऐड करके या नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो नहीं ऐड करेंगे इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो एक दम ही दिखा इसको और इसको फर्क ही नहीं है हमें ऐड करते हैं चलो ऐड किया तो देखता फिर आधा मिल गया बंद मिल गया अब आप इसको पहले इंटीग्रल को आई ऐड करो इसमें जितने एक्स नजर आ रहे हैं सबको वन माइनस एक्स से रिप्लेस करो ट्राई करके देखो नहीं होगा तो बताओ जितने x है सबको रिप्लेस करना है वन माइनस x सबट्रैक्ट करने से i प्लस i का जीरो हो जाएगा या तो ऐड होगा या ऐड नहीं होगा कोई बात नहीं या तो ऐड करो या ऐड मत करो चलो ये बताओ ये जैसे आपने आई ऐड कर दिया ठीक है जितने एक्स उसको रिप्लेस भी कर लिया होगा इस एक्स के प्लेस पे क्या लिखता है ब्रैकेट में आ गया होगा यहां 1 माइनस एक्स है कोई बात नहीं 1 तो 1 रहेगा माइनस माइनस रहेगा इस एक्स के प्लेस पे क्या लिखता है माइनस 1 प्लस एक्स करेक्ट बिल्कुल उसके बाद आपने ये 1 से 1 कर दिया कैंसिल अब हम देख रहे हैं अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं तो क्या ऐड हो पा रही है कुछ चीजें इसके अंदर देखो यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको x x into 1 minus x की पावर है और 1 minus x into x की पावर है ये दोनों है देखो ये इनको ऐड करना मेरे ख्याल से कुछ ऐड हो नहीं पा रहा ना कुछ कॉमन ओवर भी आ रहा है देखो जरा आप देखो कुछ लग रहा है ऐसे ऐड हो जाएगा कुछ भी ऐड नहीं हो पा रहा इन दोनों में कुछ ऐड नहीं हो पा रहा है ऐड करने से तो और भयंकर सा रूप ले रहा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में आई और आई इंटीग्रल को ऐड नहीं करना है इसी को कुछ सोचो कुछ हो सकता है क्या एक्सप्लेन में आपको लिख के दिखा हूं ये है डिवाइड करके तो इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा ये बताओ इसका क्या हो सकता है डिवाइड कर सकते हैं इस इंटीग्रल को चेंज करके प्रॉपर्टी लगा के हमने ये बना दिया ये सॉल्व हो सकता है मुझे साफ साफ दिख रहा है बहुत और क्या ये ब्रैकेट आप तो खोल सकते हो ना पहले नहीं खोल सकते थे देखो x को मल्टीप्लाई पहले कैसे करते हो होल पावर n लगी हुई थी तब तो कर सकते हो ना अब बताओ x टू दी पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा x टू दी पावर n ही आएगा माइनस आएगा अब x टू दी पावर n को x से मल्टीप्लाई करो राइट x टू दी पावर n प्लस 1 आएगा जब मल्टीप्लाई होते हैं ना बेस से ना तो पावर को ऐड किया जाएगा अब रही बात इंटीग्रेशन की बहुत आराम से करेंगे x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन करो सिंपल फॉर्मूला होता है डायरेक्ट x to the power n plus 1 upon n plus 1 minus यहाँ पे n plus 1 power पहले से तो x to the power n plus 2 upon n plus 2 तो इंटीग्रल सॉल्व हो गया हमने ऐड नहीं किया लेकिन इस बार लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 अब इसको जरा लिमिट पुट करके बताना पहले 1 पुट करना है माइनस लगा के फिर 0 पुट करना है पहले 1 और फिर 0 x के प्लेस पर रखिए लिमिट और देना रखना
बताओ आंसर। बस जो मैं सोच रहा था आपने वही गलती की है, मैं सोच रहा था गलती ना करूंगा। और किसने पुट की लिमिट, लिमिट पुट करना आता है, ये बताओ लिमिट कहाँ पुट करते हैं। मैं आपको बोलूंगा वन पुट करो तो कहाँ पुट करोगे, एक्स के प्लेस पर। इस क्वेश्चन के जनरली बच्चे लिमिट कहाँ पुट करते हैं, एन के प्लेस पर। एन थोड़ी है एक्स, ये जो लिमिट है वो तो एक्स के लिए है, तो मैं एक्स के प्लेस पर क्या पुट करूंगा पहले, वन। तो जरा वन पुट करके बताओ भाई, वन टू दी पावर एन प्लस वन वन। अब यहाँ पुट करो एक्स के प्लेस पर था वो भी वन, चलो कोई बात नहीं। अब माइनस लगा के जीरो पुट करो, लेकिन एक्स के प्लेस पर ये भी जीरो, ये भी जीरो, छोड़ो ये लिखते हैं, ये आंसर है वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन। जनरली इस क्वेश्चन में बच्चे एकदम से लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं होते कंफ्यूज, लेकिन बाय मिस्टेक वो एन के प्लेस पर लगे रहते हैं। आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। प्रॉपर्टी और नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट आप ऐसे क्वेश्चन चार पांच में करवा दूंगा, उसमें एनसीईआरटी वाले जो एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन में सैंपल पेपर्स में एरिया अंडरकट दिया हुआ है, कई जगह पे दिया हुआ है, थोड़ा सा करेंगे पैराबोला लाइन के बीच करेंगे, उसके बाद करेंगे टिके रेट टिके ग्रोथ रेट के क्वेश्चन। डिस्टेंस आउट डिमेंशन पे पार्ट है, पहले एरिया अंडरकट करेंगे, बहुत आसान है, इनके से आ भी जाता है तो आप करके आना। देखो करना तो सब पड़ेगा ना, पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा, कुछ चीजें हैंडबुक में है कुछ सैंपल पेपर में नहीं है, कुछ सैंपल मिल रही है तो हैंडबुक में नहीं है। Do we have more properties? बत्तीस से बैक्सन करके ना डालने वाला शुरू हो गया, डालने वाला शुरू हो गया। आप समझो इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है। पार्टीशन प्लेन यानी एक्स वाई एक्सिस का बना हुआ प्लेन, पार्टीशन प्लेन पे किसी भी तरह का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह का। फॉर एग्जांपल ये कर्व, ये कर घुमावदार भी हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, लहर वाली शेप का भी हो सकता है। आपको इस कर्व के अंडर में, अंडर समझते हो नीचे, इस कर्व के नीचे कुछ एरिया कैलकुलेट करना है, आपको इस कर्व के नीचे का इनफाइनाइट एरिया नजर आ रहा है, तो आपको लिमिट दे दी जाएंगी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के, कहेंगे यहाँ से यहाँ तक एक्स एक्सिस तक इस कर्व के अंडर में ये एरिया कैलकुलेट कर, ये बताए। इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं बी। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप एक इंटीग्रल बनाएंगे जिसकी लोअर लिमिट होगी ये वाला नंबर, छोटा नंबर एकदम ये, और अपर लिमिट होगी ये वाला नंबर। ये दो नंबर मैंने एक्स एक्सिस पे लिए या वाई एक्सिस पे लिए, अगर आपको ये एक्स एक्सिस पे लिए हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा डी एक्स, और अगर ये नए नंबर दोनों वाई एक्सिस पे लिए होते तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डी वाई, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेंट कहाँ से आएगा, ये जो एरिया है आप देखोगे इस एरिया की ऊपर छत फॉर्म है, एरिया अपने ऊपर की छत ढूंढेगा, जैसे ये एरिया अपने ऊपर छत ढूंढेगा तो उसको छत नहीं नजर आएगी, ये कर नजर आएगा, तो ये क्या करेगा एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए ये जो इसकी छत है जो रूफ है इसकी, हम उसमें से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू, और y की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन आएगा, जब आप y की वैल्यू इस कर्व में से निकालेंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन आएगी, और जब आप इस फंक्शन को यहां पुट करके इंटीग्रल सॉल्व करेंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ध्यान रहे ये एरिया कंप्लीट कभी नहीं मिलता, ये नियरली इक्वल टू एरिया होता है, थोड़ा सा पोर्शन इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं हो पाता, थोड़ा सा पोर्शन बचता ही बचता है इसमें, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका डेरिवेशन नहीं है, साइंस का डेरिवेशन करते हैं कि एरिया कैसे होता है, तो डेरिवेशन आता है एज द लिमिट ऑफ सम स्केल, तो आपको तो डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इस कांसेप्ट को याद रखें। अच्छा अब ये क्लियर है इतना, अब मैं आपको कुछ बेसिक से कर्व स्केचिंग बताऊंगा, जैसे पैराबोला, पैराबोला एक सिमेट्रिकल फिगर होती है अबाउट वन एक्सिस के, एक पैराबोला आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फॉर्म का होगा। इस वाली इक्वेशन में x और y में से किसकी पावर इवन है, इवन पावर y की है। अगर कर्व में इवन पावर्स ऑफ y होती हैं, किसी भी कर्व की बात कर रहा हूं, देन कर्व
is symmetrical about x-axis. उल्टा अगर किसी भी कर्व की इक्वेशन में y की इवन पावर होती है तो वो कर्व जब बनाया जाता है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और उल्टा कर लेना अपने आप को, उल्टा नहीं लिख पा रहा हूं, उल्टा मतलब क्या, अगर इवन पावर्स ऑफ x होंगी तो वो कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल वर्ड का मतलब समझते हो क्या मतलब इसका, कि दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल। बच्चों को सिमेट्री सिखाई जाती है, आपको भी सिखाई गई है लेकिन याद नहीं, बच्चों को सिखाते थे एम लेटर है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो, याद हो बच्चे कैसे ड्रॉ करते थे, अच्छा लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे ड्रॉ करते थे कि लाइन ऑफ सिमेट्री इधर उधर एक मिरर इमेज बनाएगी, तो इसलिए ये जो सिमेट्रिकल फिगर है तो इसमें एक्स एक्सिस इसकी मिरर इमेज बनाएगी। अब ये पैराबोला ड्रॉ कैसे करना है, ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस हो गई, ये पैराबोला ओरिजिन पे वर्टेक्स रखेगा अपना यहाँ पे और ऐसे जाएगा, ये ऊपर नीचे दोनों जगह से लगभग सेम सा नजर आना चाहिए, लगभग ये एक पैराबोला का आपको स्केच डायरेक्टली याद रखना है। अब दूसरी बात नोट करते हैं ना, मैं रब कर देता हूँ, ये रब कर दो, ये वाला पोजीशन ये इधर कैमरे में चला है, पहला भी से आ जाएगा। सेकंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, बस अगर यहाँ पे कोफिशिएंट माइनस का आ जाएगा तो ये पैराबोला अभी भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव x एक्सिस की होगी। इस तरह से थर्ड, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आएगा तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, वो भी पॉजिटिव y एक्सिस। फोर्थ, x square equals to minus 4ay में parabola आपका symmetrical about y axis होगा लेकिन negative y axis होगा। ये चार तरह के parabola आपको अपने दिमाग पे रखना है। सर ये x square वाला, x square equal to 4ay है तो x पे square है, y पे square नहीं है, तो ये parabola तो है लेकिन कौन सा वाला है जो y axis के about symmetrical ऊपर की तरफ आएगा, जब आप बनाएंगे तो ओरिजिन पे टच करते हुए ले जाना है ऐसे। तो बच्चों के स्केच मैंने ऐसे ही देखने दे, मैंने कहा भाई x स्क्वायर इक्वल टू 4ay बनाओ तो ऐसे बनाते हैं। तभी तो ड्राइंग बनाओ, फिर अपने बच्चों को देखो रे इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो और ये लो, क्योंकि आपने चपटा कर रखा है, इसको कब बन गया, चपटा नहीं करना है इसको, ये ऐसा गोलाई शेप लेता है बिल्कुल गोल टच करके समझ जाता है, मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा होगा, सिर्फ ओरिजिन पे, ओरिजिन के थोड़ा सा भी आगे देखोगे टच नहीं कर रहा होगा, हल्का सा ऊपर होगा। एनीवेज रफ स्केच बना सकते हो, कोई दिक्कत। अच्छा ये सब क्लियर हो गया, अब एक चीज और समझो, ये मेरा कुछ लाइन ड्रॉ करने सिखा रहा हूं आपको डायरेक्ट। अगर आपकी लाइन इस फॉर्म में आती है, y equal to mx फॉर्म में कोई भी लाइन आती है, तो कोई डेटा वेटा बनाने की जरूरत नहीं है। ये लाइन आप कैसे बनाएंगे, ओरिजिन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी भी एंगल पे बनाते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको बोलूंगा y is equals to 3x एक लाइन इसका स्केच बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे, आपको ये पर बन गया, मैं कहूंगा y is equals to 4x का बनाओ, ये लो यही है, सर पता है कहां पर पड़ा होगा, ये जो एंगल है ना थोड़ा सा बढ़ गया स्लोप इसका, लेकिन हमारा का फिक्स कैच है y equal to x का बनाना है, ये y equal to x में कोई भी इस तरह का फंक्शन है तो उसका ग्राफ ऐसे लेता है, ओरिजिन से निकाल के, और अगर y equal to minus mx फॉर्म में कोई लाइन आए उसको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, इस तरह से y equal to minus mx में आता है अगर ग्राफ, ऐसे ओरिजिन से जाएगी अभी भी लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब नेगेटिव आने का पर्पस ही होता है, नेगेटिव आता है ना तो ये स्लोप जो होता है ना लाइन का नेगेटिव होता है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है, यहाँ ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, अगर ये प्लस होता है ना तो लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल पे झुकाई झुकी हुई होती है, जैसे ये एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से काम ये वाला है, और एक्यूट कब बनता है जब ये स्लोप पॉजिटिव होता है, स्लोप नेगेटिव है इसलिए वो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है,
बताने का पर्पस सिर्फ नॉलेज गेन करना और कोई पर्पस नहीं। तो आगे जाकर हायर स्टडीज में जाते हो तो सब चीज मुझे पता होनी चाहिए, मुझे यूज होना चाहिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया bounded by the parabola, find the area bounded by the parabola y square is equals to 4x comma x is equals to 1 x is equals to 4 comma x axis 4x in the first quadrant। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है मान लो सिंपल 3 मार्क्स में आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। अब आप पहले उन चार पैराबोला में से पहचान के बताओ कि कौन सा वाला है, नंबरिंग के हिसाब से बताना 1 2 3 4 में से कौन सा फर्स्ट वाला है। तो अब आपने जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया, ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम इसको रफली ग्राफ बना लेंगे। ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस पैराबोला को कुछ ऐसे दिखा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल सा नजर आएगा, बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल आपने कुछ x एक्सिस y एक्सिस। अच्छा, अब इसके बाद एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 1 नंबर पे, x इक्वल टू 1 यहां मान ले, यहां पे एक लाइन ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाए, ये 1 पॉइंट हो गया। ये रहा, थोड़ा सा आगे 4 पे ड्रॉ कर लेते हैं, अंदाजे से ये 4 पे ड्रॉ, ये वाला पॉइंट 4 हो गया और x एक्सिस पहले से ड्रॉ है। अब बताओ कौन सा एरिया में इस फिगर में शेड करो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो लाइन से पैराबोला से और x एक्सिस से बाउंड हुआ, ये वाला नहीं, ये वाला है ना। तो इसको आपने क्या किया, शेड कर दोबारा। यहाँ पे चार चीजें हैं जो इस एरिया को घेरने वाली है, है ना, पैराबोला ये आ गया, x इक्वल टू 1 ये लाइन हो गई, x equal to 4 ये वाली हो गई, x axis ये हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन चारों ने कौन सा एरिया घेर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो x equal to 1 ये आ गई, x equal to 4 ये वाली लाइन आ गई, ये x axis आ गई और ये पैराबोला आ गया। तो इन चारों से ये एरिया बाउंड हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिगर पर देख, अब हम इसका एक इंटीगल तैयार करेंगे एरिया के। अब आप मेरे को फिगर में लोअर और अपर लिमिट देख के बता सकते हो, ये 1 है और यहाँ 4 है। यहाँ पे मैं dx लिखूंगा या dy लिखूंगा, मैं dx लिखूंगा क्योंकि मेरी लिमिट x एक्सिस पे दी गई है। अब मैं इस एरिया के ऊपर इसकी छत देखूंगा कौन है, इसकी छत ये वाला पोर्शन है देखो ये, और ये किसका हिस्सा है इतना सा है, ये किस चीज का हिस्सा है इतना, ये पैराबोला का तो हिस्सा है। तो इस पैराबोला की इक्वेशन से ये भी पैराबोला की y की वैल्यू बोल दो डायरेक्ट मेरे को, यहाँ पे y की वैल्यू तो देखो चारों चीज कैसे यूज हुई, x एक्सिस की लिमिट्स यूज हुई 1 और 4 dx आए, ये लिमिट हो गई, ये दोनों लाइन कवर हो गई, x एक्सिस भी हो गई यहां पे, और जो एरिया है वो इस कर्व के अंडर में आता है, जिसके भी अंडर में एरिया आता है उसकी इक्वेशन निकाल देंगे और वहां से y की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा चलो 2 को मैं बाहर रख दूंगा, ये रूट x का इंडिकेशन कैसे होगा, ये पावर 1/2 माने हम इसको, अगर ये पावर 1/2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 / 3/2 ऐसे हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये तो मैंने बाहर रख लिया था, लिमिट 1 है और अपर लिमिट 4, चलो पहले 4 रख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, ये 2 * 2 4/3 को रख लेते हैं, ये तो 4/3 हो गया। अब यहां x के प्लेस पर पहले 4 रखेंगे माइनस फिर x के प्लेस पर 1 रखेंगे, इसको सिंपलीफाई करते हैं, ध्यान ही छोड़ेंगे आपसे। तो सिंपल सिंपलीफाई कितना आसान है, ये तो 4/3 है। अब देखो मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर देना। मैं देखता हूँ पावर फ्रैक्शन में है, पावर फ्रैक्शन में भी 3/2 है, बाय में कितनी पावर है 2, अगर बाय में 2 पावर है तो मैं इसको स्क्वायर बनाऊंगा, ये किसका स्क्वायर है, और अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मैं रूट का स्क्वायर बनाऊंगा, स्क्वायर ही मैं इसको। तो मैंने 4 को क्या बनाया, 2 का स्क्वायर, सॉरी -1 लोअर लिमिट, पहले x के प्लेस पर अपर लिमिट आई तो 4 टू दी पावर 3/2, फिर माइनस लगाया फिर x के प्लेस पर बना के लोअर लिमिट। अच्छा ये 2/3 का है, इसमें भाग ले लिया था 4/3 बन चुका था, तो ये 2 का स्क्वायर बनाया, इसके ऊपर पावर लगी हुई है 3/2। अच्छा ये 1 की पावर 3/2 को सॉल्व कैसे करना,
इसको बताओ ये कितना हो गया भाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 माइनस 1 7 इनटू 4 बाय 3 28 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये एरिया है। किसी भी आगे मैथमेटिक्स फील्ड में ये आप एरिया का कांसेप्ट यूज कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनल लाइन में चले जाते हो, एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट होता है, इसलिए टाइप में है, पता नहीं बोल रहा है नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। एक क्वेश्चन आप मुझे ऐसा करके देखो, फाइंड द एरिया इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछो, कोई भी चीज लग रहा है कि कोई सी हम क्लियर सी है कि पीछे और ये होना चाहिए, क्लियर है? यस, आपको यहां पर एरिया दे रहा हूं, इसका निकालना है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, y स्क्वायर इक्वल टू x, x is equals to 2, x is equals to 4, comma x axis in the first quadrant. What do you say? X is square is y square is equals to x, x is equals to 2, x is equals to 4, x axis in the first quadrant. Figure banao, area shape karo. Agar exam mein aayega to figure ka 1 mark hota hai. फिगर तो सेम ही बना थी, कुछ कर रहे नहीं है, बस यहाँ पे 2 नाम रख देने का, पूरा देना पहला पूरा तो सेम ही बनता है। फाइनल आंसर 8 माइनस 2 की पावर 3 अपॉन 2, तो 2 को रूट 2 का स्क्वायर बनाओ, 8 माइनस 2 रूट 2 कैसे, बाकी वहां छोड़ोगे तो गलत होगी। ये फिगर भी देखो तो सेम फिगर आई होगी, ये पैराबोला हो गया, ये लाइन x इक्वल्स टू 2 वाली हो गई, ये 4 वाली हो गई, ये एरिया हो गया, एरिया का फंक्शन बनाया होगा आपने 2 से 4 और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन, बस अंडर रूट x का इंटीग्रेशन भी कर लिया होगा आपने, x टू दी पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, पहले 4 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, इसको चाहो तो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, अगर मान लो आपको नीचे और यहाँ भी छोड़ देना, वैसे ये भी सॉल्व किया था हमने, ये तो 8 ही हो गया ना, अब देखो ये बात हो गई, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसको किसका स्क्वायर बनाओगे, तो रूट टू का स्क्वायर और उसकी होल पावर 3 बाय 2, रूट टू का स्क्वायर उसकी होल पावर 3 बाय 2, 2 से 2 गया, अभी क्या बचा, रूट टू का क्यूब बचा, रूट टू का क्यूब कितना होता है, 2 रूट टू, तो लिख सर उसमें आप 2 रूट टू, छोड़ दो आंसर, ये मतलब कंपलसरी नहीं है कि 2 बाय 3 को मल्टीप्लाई करना ही करना है, ये एरिया हो गया आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी सी बात है, टीचर छोटी सी बात है, कर देना एरिया बाउंडेड बाय इसमें ये देख रहे हो, ऐसे ऐसे कर सकते, स्क्रीन देखकर
बोलो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला find the area bounded by the parabola y square is equal to 16x y square is equal to 16x and the line x equal to 4 and the line x equals to 4 proper second y square equals to 16x to parabola or line to have x equals to 4 let's take the line तो हम दोनों लेंगे हम ऊपर नीचे का दोनों लेंगे देखो भाई पैराबोला तो आप सब ऐसे बनाएंगे होगा ना हो गया पैराबोला x equals to 4 ये लाइन हो गई मान लो x axis origin y axis तो इस लाइन में पैराबोला का कौन सा एरिया बाउंड कर दिया पैराबोला ओपन फिगर थी एरिया बाहर जा रहा था तो ये वाला सारा एरिया निकालना ये भी और नीचे वाला ये सारा बिल्कुल करें हम नीचे का एरिया थोड़ी निकालेंगे इसको भी मैं अनशेड कर देता हूं हम ये नहीं निकालेंगे हम तो सिर्फ इंटीग्रेशन से इतने एरिया निकाल सकते हैं इतना अब आप इस एरिया को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इंटीग्रेशन के लिमिट्स बता दो 0 टू 4 करेक्ट है dx लिखो dy लिखो dx और अभी इस एरिया के ऊपर जो कर्व है वो पैराबोला है उसमें से y की वैल्यू बोलो 4 रूट x जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो कितना एरिया निकलेगा सिर्फ ऊपर का लेकिन आपको तो ये भी चाहिए तो सिमेट्रिकल फिगर है इसलिए मल्टीप्लाई 2 अब मल्टीप्लाई 2 को बाद में कर लेना ताकि इसको सॉल्व कर सके ऐसे ऐसे लिख के काम करो 2 into 4 8 को बाहर रखकर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो 128 अपॉन 3 दिया 128 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो दूसरी बार आ गया तो एक्स की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 128 बाय 3 आ रहा है ये लोअर लिमिट तो 0 है ना अच्छा आपने नहीं करा ठीक है तो ये x to the power 3 by 2 upon 3 by 2 इसमें लिमिट डालनी है आपको 0 टू 4 8 टू जस्ट 16 बाय 3 बार 4 टू दी पावर 3 बाय 2 माइनस 0 और 4 टू दी पावर 3 बाय 2 को फिर से आ गया भाई आज याद कर लेते इसको परमानेंट है 128 अपॉन 3 नेक्स्ट क्वेश्चन एक और Find the area of the region bounded by the line. Find the area of the region bounded by the line. अब line की equation लिखें. y minus 1 is equal to x. y minus 1 is equal to x. comma the x axis and the lines x equals to minus 2 and x equals to 3 यहाँ पे पैराबोला नहीं है इसका minus 2 and x equals to 3
ये लाइन ओरिजिन से नीचे आएगी, ये तो y माइनस वन इक्वल टू एक्स है ना, जो मैंने बताई थी वो y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कोई लाइन होनी चाहिए, इसमें तो y माइनस वन भी है, मैं आपको लाइन ड्रॉ करा सकता हूं। कोई भी जनरल इक्वेशन जैसे ये आपके सामने, आपको इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। अगर ये y माइनस वन ना होता ना, y इक्वल टू x, तो काम आसान था हमारा, फिर तो ओरिजिन से ड्रॉ करने थी सीधा, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो इस लाइन को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैसे ड्रॉ करूँ, आपको क्या करना है सिंपली, ये हम उसमें भी करते थे एल पी टू में भी करते थे, इधर बुकिंग में एक बार मन में x को जीरो रिपोर्ट कर लो और y की वैल्यू बोल दो वन, तो वन यहाँ पे नहीं होगा ऊपर वाई एक्सिस पे, यहाँ मान लेते हैं यहाँ वाई एक्सिस पे वन होगा। अब एक बार y को जीरो पुट कर और x की वैल्यू हो माइनस वन, वो इधर भी नेगेटिव x एक्सिस पे होगा, मान लेते हैं यहाँ ये माइनस वन, बस अब आपको इन दो पॉइंट को स्केल रखकर ऐसे ज्वाइन करना है, बस लंबी लाइन ऐसे चली गई, इधर ये नीचे चली जाओगे, ये जरूर मेंशन कर देना x एक्सिस कौन सी है y एक्सिस कौन सी है, ये लाइन आ गई। अच्छा अब बाकी चीजें और क्या क्या बताओ, अकाउंट करना है कौन सी माइनस टू, एक्स इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू को माइनस वन के पीछे होगा, यहाँ पे ये माइनस टू है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये एक्स इक्वल टू माइनस टू, थ्री इधर के ले लो, ये वन टू थ्री अंदाजे से ये थ्री होंगे, ये थ्री। अब बताओ कौन सा एरिया कौन सा दोनों एरिया आपको आप इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करके देंगे, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एरिया ना ग्राफ से निकल सकता है इंटीग्रेशन। कैसे अच्छा पहले इस वाले एरिया की बात करते हैं, जो ये वाला छोटा सा एरिया दिख रहा है, आप मुझे इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले लिमिट्स बोलोगे माइनस टू माइनस वन, करेक्ट है, यहाँ पे डीएक्स आएगा डीवाई आएगा, हम डीएक्स का डेरिवेशन कर रहे हैं, ये डीवाई डीआई के अंदर ये डीएक्स है, और अब आप देखोगे इस एरिया की छत, जो छत नीचे की तरफ हो गई है, कोई बात नहीं, उससे किस एक लाइन के अंडर में एरिया आ रही है, अंडर देखो कौन सा है, आप उल्टा समझो ना, उल्टा अंडर देख रहे हैं, ये वाली इसकी इक्वेशन क्या थी, y माइनस वन इक्वल टू एक्स है ना, तो यहाँ से y की वैल्यू बोलो, राइट वन कर दो, इस प्रकार हो जाए ओवर डायर डायर चला दो, अच्छा से पढ़ाई करनी चाहिए, इस जीरो से पढ़ाई करनी चाहिए, ये कैसे लगती है पीछे फ्लैश में आती है, हाँ जी, तो मेरे को y की वैल्यू बोल देना इसमें से, अब मैं चाहता हूँ काफी इंटीग्रेशन सॉल्व करके लिमिट पुट करके जनाबन से आंसर बताएं, फिर जो मैं चीज बता रहा हूँ उसके बाद बता रहा हूँ, पहले आप इसको कैलकुलेट करके आंसर बताओ, आज तक तुमने कह दिया उसको आवाज से तुमको मेरी आवाज नहीं आ रही, ये तो बहुत देर हो गई यार, मैं बोलते बोलते तो हेलो 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 आस्था जी जल गई इंस्टाग्राम पे तुम्हारी, क्या हो रहा है मेरा मेरा
Yes. वही एरिया कैलकुलेट कर लो जब तक माइनस में एरिया माइनस I'm audible. Ketan Asiyan ji. मेरी आवाज आ रही बच्चों बताओ. Yes sir. Yes sir. तुम लोग पहले मेरी आवाज अच्छा पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी तुम लोगों को. बहुत आ रही थी. अरे तो तुम लोग पहले क्यों नहीं बोले. मैंने तो अब देखा मेरे को तो ही बताया दीपांशु ने कि सर उनको आवाज ही नहीं आ रही आपकी. अच्छा ये वाला क्वेश्चन लिख लिया था आपने जो बोर्ड पे सो कुड यू प्लीज रिपीट. हाँ मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन. फाइंड द सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय लाइन y माइनस वन इक्वल टू x कॉमा x एक्सिस कॉमा x इज इक्वल्स टू माइनस टू एंड x इज इक्वल्स टू थ्री. इन सबसे जो एरिया बाउंड होने वाला है वो रीजन आपको कैलकुलेट करना है. तो हमने y माइनस वन इक्वल टू x का ग्राफ तो ये बना लिया था. x एक्सिस तो पहले से ड्रॉ कर ही लेते हैं. x इक्वल्स टू माइनस टू पे ये लाइन परपेंडिकुलर डाल दी. एक x इक्वल्स टू थ्री पे ये आ गए. तो x एक्सिस के साथ इस लाइन ने और इन दोनों लिमिट्स ने ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल बाउंड कर दिया. ये हमने कर लिया था इतना. इस एरिया को निकालने के लिए हमने इंटीग्रेशन की लिमिट को चुना माइनस टू टू माइनस वन. ठीक है. और इस लाइन के अंडर में एरिया चाहिए तो इसकी इक्वेशन ये लिखी हुई है लाइन की. तो वहां से वाई की वैल्यू निकाल के यहां रखी और अब आपने इसको इंटीग्रेट किया. क्या आ रहा है इसका आंसर वैसे माइनस वन अपॉन टू. ठीक है. मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं एक बार चेक कर लेते हैं. एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू ये हो जाएगा. और इसमें लिमिट डालेंगे अपर माइनस वन लोअर माइनस टू. पहले कौन सी लिमिट आती है वैसे अपर. तो अपर लिमिट पुट करो जरा यहाँ पे. हाँ करो जीरो हो गया. तो अपर लिमिट जीरो दे रही है हमको माइनस. अब यहाँ पुट करो माइनस टू. तो माइनस वन प्लस टू ये हो गया आपका माइनस वन का स्क्वायर वन अपॉन टू. अब आपने देखा कि ये एरिया नेगेटिव आ रहा है. ये एरिया नेगेटिव आना था. अब सुनो मेरी बात. कब एरिया नेगेटिव आता है. जब भी आप कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे जाके कैलकुलेट करते हो. ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ये एक्स एक्सिस के नीचे है. तो जब भी कोई एरिया एक्स एक्सिस के नीचे इस इंटीग्रल की हेल्प से सॉल्व होता है तो वो हमेशा नेगेटिव आता है. क्या करें एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है. लेकिन अब क्या करूं ये तो नेगेटिव आ गया. या तो मैं यहां लिख दूंगा ब्रैकेट में रीजन दे दूंगा टीचर को सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो रिजेक्टिंग द नेगेटिव साइन. इतना नंबर लिखने की जरूरत क्या है. आप आगे से क्या करेंगे आपको मैं एक दो दो तरीके बताता हूं. जब एरिया बिलो एक्स एक्सिस निकालने जा रहे हो तो लिमिट्स को उल्टा लिखा करो. लोअर वाली अपर में अपर वाली लोअर में तो नेगेटिव नहीं आएगा. एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन आप जानते हो कि एरिया नेगेटिव आने वाला है. आप इस एरिया को पहले से मॉडुलस में रख के चल सकते हो ये इस तरह से. अब मॉडुलस क्या करेगा इस एरिया को प्लस कर देगा. तीसरा ऑप्शन सुनो. आपको मालूम है एरिया नेगेटिव आने वाला है तो जो आपकी लाइन की इक्वेशन से y निकाला था ना आपने उसका साइन चेंज करके लिखा करो यहां पे. मतलब y की वैल्यू क्या आ रही थी 1 प्लस x. तो आपको क्या लिखना है माइनस 1 प्लस x. तो तीन तरीके हैं जैसे मर्जी समझ लो. क्योंकि तीनों तरीके से ये माइनस हाफ जो है प्लस हाफ में तब्दील हो जाएगा. तब्दील वर्ड सही बोला है ना मैंने उर्दू का वर्ड तब्दील हो जाएगा. ठीक है. इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ग्राफ ये ग्राफ दोबारा बताऊं कैसे बनाया मैंने. यस एक बार मैं फिर से बताता हूँ. तो भाई आप जैसे मर्जी समझ लेना. मैंने सिर्फ इतना बोला है आपको जब जब एरिया बिलो एक्स एक्सिस निकलेगा तब तब वो नेगेटिव निकलेगा. तो आपने अब निकाल तो लिया ही है. तो मैंने इसको एक काम किया मॉडुलस में डाल दिया है. ठीक है. अब ग्राफ कैसे बनाया ये समझो. आज से देखो हमने इस लाइन का ग्राफ कैसे बनाया. इस लाइन का ग्राफ बनाने के लिए दो बातें करनी है. एक बार एक्स को मन में जीरो रखोगे वाई की वैल्यू वन आएगी.
तो वन वाई एक्सिस पे यहाँ कहीं प्लॉट हो गया, ये रहा वन, अंदाजे से लेना है आपको, ये वन हो गया। एक बार आप वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आती है माइनस वन, माइनस वन एक्स एक्सिस पे यहां मान लिया जाएगा, लेट से यहाँ पे माइनस वन है। बस अब इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके आप जब स्केल से थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे इधर उधर, तो ये लाइन की इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ये रहा, ये ग्राफ हमने ऐसे बनाया। गॉट इट? यस। और बाकी की लाइन तो देखो सिंपल थी, एक्स एक्सिस ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है, एक्स इक्वल्स टू माइनस टू, यहाँ माइनस वन के पीछे ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, देखो ये रहा, और एक्स इक्वल्स टू थ्री इसके आगे यहाँ डाला हुआ है परपेंडिकुलर, ये रहा, और फिर ये एरिया छोटा सा और ये बड़ा ट्राइंगल ऐसे बन। आपका आंसर पूरा नहीं आया भाई, अभी तो ये वाला निकला है, जरा इस एरिया की लिमिट बताओ जल्दी से, इसमें प्लस होना है एरिया, माइनस वन से थ्री, डी एक्स लिखूंगा डी वाई लिखूंगा, ऑब्वियस डी एक्स लिखूंगा। अच्छा अब एरिया किसके अंडर में है, अभी दूंगा एक एक तो करवाऊंगा, इंटीग्रेंड बोलो क्या लाऊं यहाँ पे, वही वाई की वैल्यू, लाइन तो सेम ही है ना, ये लाइन तो सेम ही जा रही है ना, तो इक्वेशन भी सेम होगी। अच्छा इस एरिया को भी मॉडुलस में डालना है क्या? नहीं, ये अपना पॉजिटिव आने वाला है, इसको जरूरत नहीं डालने की मॉडुलस में, इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना आ रहा है, एट आ रहा है, तो एट और हाफ प्लस कर लो, ये तो हाफ हो गया ना, ये वाला तो हाफ हो गया पहले वाला, अब इसको और सॉल्व कर लो, ये एट बताया यश ने मेरे को, ये वैसे तो माइनस हाफ आया था, हमने मॉडुलस में डाल दिया इसको, एरिया नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, एट आ रहा है ना, तो इसका एट हो गया, चलो तो आपका टोटल एरिया कितना हो गया, एट प्लस हाफ सेवनटीन अपॉन टू या साढ़े आठ, जैसे मर्जी लिखना चाहो। सर इसमें हमें शेड एरिया क्यों किया होगा? ये जो ये क्वेश्चन कहेगा इसके अकॉर्डिंग जो भी बाउंड होने वाला एरिया है हम उसको फिगर में शेड करेंगे। अब हमें कैसे पता चला कि बाउंड कहां से कहां तक करना है, देखो माइनस टू से लेकर थ्री तक, ये माइनस टू पे लाइन परपेंडिकुलर है, ये थ्री पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस ये बनाई हुई है और ये लाइन हमारी ऐसे आई थी वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स वाली, तो इस लाइन से माइनस टू वाली लाइन से माइनस थ्री सॉरी थ्री लाइन से और एक्स एक्सिस से एक ये एरिया मिला हमको जो बाउंड हो रहा है, देखो माइनस टू से बाउंड हो रहा है ये लाइन से और एक्स एक्सिस से, और एक ये बड़ा ट्राइंगल मिला एक्स एक्सिस से हो रहा है, वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स से हो रहा है और एक्स इक्वल टू थ्री लाइन से भी हो रहा है, तो दोनों एरिया कैलकुलेट करने को बोले गए। आया सही में? Yes. एक और लिखो, फाइंड द एरिया, बस खत्म कर देंगे ना इसको आज, फिर और नहीं करेंगे, मतलब आपको आइडिया हो गया कि अगर मान लो आ जाए तो कर लोगे इसको आपसे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाय, ध्यान से देखना जरा पैराबोला चेंज है इस बार, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय कॉमा y इक्वल टू वन, y इक्वल टू फोर, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। पैराबोला कौन सा वाला है पहले तो ये बता दो, थर्ड वाला ऊपर की तरफ बनेगा, कप वाला जो बनाया था, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देख लो आप कौन सा एरिया है उसको पहले शेड कर लो फिगर में बना के। बन गया पैराबोला, बन गया तो आंसर निकल भी गया, वेरी गुड यार। मैं चेक करता हूँ, एक मिनट रुको बस, ये तो पैराबोला ओरिजिन पे ऊपर की तरफ बनाए, y इक्वल टू वन लाइन ऐसे जाएगी, y इक्वल टू वन यहाँ पे हो गई,
y इक्वल टू फोर इसके ऊपर जाएगी, y एक्सिस मेंशन करना मत भूलना, और y एक्सिस पहले से ड्रॉ है, तो y इक्वल टू वन, y इक्वल टू फोर, पैराबोला से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया लिया है ना, ठीक है चलो ये एरिया शेड हो गया। लिमिट बोलना, लोअर वन अपर फोर, dy आएगा dx आएगा, इस बार dy आएगा क्योंकि आपकी जो लिमिट्स हैं वो y एक्सिस पे हैं, तो dy आएगा। अगर dy आएगा तो इंटीग्रेशन में कौन आएगा, x की वैल्यू आएगी कर्व में से, उल्टा हो गया ना, x की वैल्यू यहां से निकाल के बोलो, बस देखो है तो सब कुछ वही, बस ये एरिया y एक्सिस पे कैलकुलेट हुआ है, वैसे कर लो सॉल्व, ये समझो x की जगह y का फंक्शन का इंटीग्रेशन है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, क्या रहा है मेरा भी यही आ रहा है, 56/3 रूट y का इंटीग्रेशन कर लोगे ना, y की पावर 3/2 / 3/2, बस ये हमने कर लिया है, एक रिस्क फैक्टर है आगे, ठीक है, नहीं तो नॉलेज बेस में तो काम आएगा कभी ना। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन एप्लीकेशन से मतलब, हाँ अभी तो कंज्यूमर सरप्लस बाकी है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसके बाद डिके रेट और ग्रोथ रेट और प्रिंटिकल कैलकुलस, माइंड अप, खत्म। हाँ मैं लिखा एक मछली वाला क्वेश्चन देखा है, मैंने मछली बनी हुई है दो मछली, वो भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत, तो मैं आपको सभी क्वेश्चन करा दूंगा ना। अच्छा जी, आप जो आ रहे हो ऑफलाइन क्लास में, आप लोग मुझे इंटीग्रल का टेस्ट दोगे ऑफलाइन, जो आ सकते हैं, बाकी जो ऑनलाइन देंगे ऑनलाइन, आप करके देखो ना आपके कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, मुझे पता चलेगा आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो सॉल्यूशंस को। अभी नहीं, इंटीग्रल कैसे करते हैं, आंसर द्वारा रिपीट करना एक बार, क्या बोला आपने, इसका आंसर नहीं आ रहा, हाँ मैं करके दिखाता हूँ, देखो फोर तो फोर रहेगा, ये y टू दी पावर 3/2 / 3/2 हो गया, देखो यहाँ पे लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, ये 4 × 2 = 8/3, अब यहाँ y के प्लेस पर पहले 4 रखेंगे फिर y के प्लेस पर 1 रखेंगे, ठीक है ये ऐसे आ गया, 8/3 को ऐसे छोड़ा रखो, अभी ये आपका 8 हो जाएगा सॉल्व करके और ये 1 हो जाएगा, ये 8 हमने कई बार सॉल्व किया, देखो इसको, अब 8 - 1 = 7, 7 × 8 कर लो, आंसर हो गया 56/3। गॉट इट, यस चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को।